तो दोस्तों, जैसे हमने पिछली वीडियो में बात करी थी दिल्ली के तीसरे शहर के बारे में, जो कि यासुद्दीन तुगलक द्वारा बसाया गया था तुगलकाबाद। उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक आते हैं, वो एक और शहर का निर्माण करते हैं, झापना शहर का। और उस दौर के बीच झापना शहर और तुगलकाबाद जो शहर था उनके बीच, उसके बीच में उन्होंने निर्माण करवाया था आदिलाबाद फोर्ट का। आदिलाबाद फोर्ट आप मेरे पीछे सारा देख सकते हैं, इस समय हम आदिलाबाद फोर्ट के अंदर है, जो कि तुगलकाबाद फोर्ट के बिल्कुल सामने ही है। और ये जो फोर्ट है, इस टाइम आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई भी नहीं, बिल्कुल खाली है, एकदम सुनसान है। इस फोर्ट को देखने से ऐसा लगता है कि ये प्रॉपर पूरी तरह कभी बन नहीं पाया, बाउंड्री दिखती है, सेंटर में मोस्टली जो एरिया है वो खाली दिखता है। तो इससे ये आइडिया लगा सकता है ये कभी बन नहीं पाया। तो अभी हम चलते हैं, आपको दिखाते हैं झापना शहर, उसके जो मॉन्यूमेंट बचे हैं वो दिखाते हैं, साथ में बताते हैं मोहम्मद बिन तुगलक का इतिहास। तो दोस्तों, अभी हम आ चुके हैं झापना शहर के एक और मॉन्यूमेंट्स में। इस जगह का नाम विजय मंडल है और ये हौसखास इलाके में पड़ता है। और इसका निर्माण जो शुरू करवाया था वो अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था, और इसको पूरा कराया मोहम्मद बिन तुगलक ने। और इस जगह के बारे में कहा जाता है यहाँ पे कभी 1000 पिलर हुआ करते थे, और इस जगह को एक पैलेस की तरह यूज़ किया जाता था। तो जानते हैं इसके बारे में, विजय मंडल के बारे में, इसके स्ट्रक्चर के बारे में, और अभी प्रेजेंटली इसमें क्या क्या है देखने को वो देखते हैं। तो इस जगह के बारे में कहा जाता है कभी यहाँ पे 1000 पिलर हुआ करते थे। वो 1000 पिलर तो नष्ट हो चुके हैं, उनके अवशेष कई जगह देखने को मिलते हैं, जो हमें लगता है कि ये उन्हीं पिलर के अवशेष हो गए। इसके बारे में हम कंफर्म नहीं कर सकते, पर देखने में थोड़ा बहुत ऐसे लगता है। 1000 पिलर क्या थे? यहाँ पे लकड़ी के पिलर थे जिनके ऊपर बहुत खूबसूरत नकाशी हुआ करती थी। और इस बात का जिक्र मोरक्को ट्रैवलर इब्न बतूता अपनी किताब में भी करता है, जो यहाँ पे पिलर हुआ करते थे 1000 पिलर। और इसके जो यहाँ पे कहा जाता है, इसके आसपास बहुत बड़ा दरबार लगा करता था, जहाँ पे लोग अपनी समस्या लेके आते थे जी, और यहाँ के जो मिनिस्टर या जो भी यहाँ के अफसर होते थे वो बैठा करते उनकी समस्या देखने के लिए। और साथ में आपको बताते हैं आगे चल के कि जो यहाँ का दरबार है, विजय मंडल का दरबार दिखाते हैं, और यहीं पे कहा जाता है एक खजाना हुआ करता था जो कि कुछ टाइम पहले मिला, उसके बारे में बात करते हैं, साथ में आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों, कहा जाता है मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने शासन में कई ऐसे नियम लाए, कई ऐसे कानून लाए जो कि सफल नहीं हो पाए, फेल हो गए। उन्हीं में से एक चीज़ उन्होंने क्या करती, उन्होंने नई करेंसी लॉन्च करी थी, और उस करेंसी में क्या हुआ, लोगों ने उसकी कॉपी बहुत इजीली बनाने चालू कर दी, अपने घरों में उसकी कॉपी बनाना स्टार्ट कर दिया था। उसके बाद क्या हुआ, जो अर्थव्यवस्था थी वो धीरे धीरे खराब होने लगी। उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक फैसला लेते हैं कि वो सारी करेंसी वापस मंगाए जाए। वो सारी करेंसी वापस मंगा के वो यहाँ छुपा देते हैं, जिसके बारे में कहा जाता है जो खजाना मिला था वो यही था, और उस जगह को बारे में हम दिखाते हैं कहाँ से मिला था वो। ये दो गड्ढे हैं, एक गड्ढा इस तरफ है और एक गड्ढा इस तरफ है। यहीं पे वो खजाना मिला था, जो तो सिक्के जो थे जो उन्होंने वापस मांगा था, यहीं दफनाए हुए थे, और यहीं पे वो मिला गया था। और बात करें इस जगह के बारे में, आप सामने देख सकते हैं यहीं पे उनका दरबार लगा करता था, यहीं पे सामने मोहम्मद बिन तुगलक बैठा करते थे, और यहीं पे सामने जनता बैठी करती थी इसी जगह पे। इस जगह का आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं कैसा बना हुआ है यहाँ पे। पर अभी अगर आप देखेंगे, आधा हिस्सा इसका टूट चुका है, और यहाँ पे अभी ये पिलर जो है ये पुराने पिलर है, उसके बाद ये नए पिलर लगवाए गए हैं सपोर्ट के लिए, जो कि नीचे से ऊपर तक सपोर्ट देता है। इसका हम आपको ऊपर जाके भी दिखाएंगे, जो यहाँ से जो स्ट्रक्चर दिखता है विजय मंडल का। तो चलिए ऊपर देखते हैं कैसा है। तो अभी हम जा रहे हैं विजय मंडल के ऊपर, और यहाँ पे देखने को मिलता है यहाँ पे उस तरह की जो खिड़कियाँ टाइप की बनी हुई है, आप मेरे पीछे यहाँ देख सकते हैं। और ये खिड़कियाँ जो हो सकता है जो यहाँ के सैनिक है वो इस्तेमाल करते हो यहाँ पे निगरानी करने के लिए, यहाँ कभी कभार हमला करने के लिए, और एक तरह का ये जो है वेंटिलेशन काम भी करता है, और रोशनी भी यहाँ से आती है। बाकी देखते हैं ऊपर स्ट्रक्चर कैसा है। तो इस जगह के बारे में आपको बता दूं, मेरे पीछे आप जो ये स्ट्रक्चर देख सकते हैं विजय मंडल का, ये एक लौता ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि बहुत अच्छा और मेंटेन, और इसमें कोई टूट फूट नहीं दिखती, काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है। तो कहा जाता है ये जगह जो है उस टाइम मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे ये जगह एक पैलेस की तरह इस्तेमाल की जाती थी। वो यहाँ पे रहने आते थे, यहाँ पे छुट्टियाँ बिताने आते थे, आराम करने आते थे, और यहाँ पे क्या जाता है बहुत बड़ा दरबार भी लगा करता था। और विजय मंडल के बारे में एक बात और है, ये जो पीछे आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं इसके बारे में कोई ऐसा नहीं कि ये ना ही किले जैसा दिखता है ना ही ये टॉम जैसा दिखता है, और कुछ इसके बारे में कुछ मेंशन भी नहीं कि एग्जैक्टली ये क्या था। तो दोस्तों, बात करते हैं मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में कहा जाता है कि वो बहुत ही पढ़े लिखे शासक थे, और वो अपने राज्य के लिए बहुत कुछ करना चाहते थे, और उनके द्वारा लाए गए कई कानून ऐसे थे जो कामयाब नहीं हो पाए, जो फेल हो गए। उनमें से एक कानून था कृषि कानून। कृषि कानून में क्या था, जब अलाउद्दीन खिलजी थे उन्होंने पहले ही जो कृषि किसानों के ऊपर जो टैक्स था वो बढ़ा रखा था, और जब मोहम्मद बिन तुगलक आए उन्होंने टैक्स को और बढ़ा दिया, जिससे जो कि किसान थे जो खेती करते थे वो उससे बहुत परेशान हो गए कि वो अपना बचाएंगे क्या, कैसे रहेंगे, वो टैक्स कितना देंगे, इससे वो परेशान हो गए। और उन्होंने क्या किया, जो
बंजर जमीन थी, कई जमीन ऐसी थी जिन पर खेती करना बहुत मुश्किल था, उसमें उन्होंने अपने ही लोग भेजे खेती करने के लिए, पर जिनको खेती करना आता नहीं और वो वहाँ जाके खेती करते, जिससे वो खेती वहाँ पर ठीक से नहीं हो पा, वो जो कानून था वो भी कामयाब नहीं हो पाया, जिसका कोई रिजल्ट अच्छा आया नहीं। और फिर एक बहुत बड़ा ऐसा उन्होंने डिसीजन लिया जो कि कहा जाता है जो उनका अब तक का सबसे बुरा डिसीजन था। उन्होंने क्या किया, जो पूरा पूरा शहर था, पूरा पूरा शहर उन्होंने शिफ्ट करने की सोची। शिफ्ट कहाँ करने की सोची, वो दिल्ली से इसे दौलताबाद ले जाने की सोची। और दौलताबाद जब वो जाते हैं, कहा जाता है जब वो दौलताबाद जा रहे होते हैं तो सारी जनता को साथ में लेके जाते हैं, और जनता में कई लोग जो है दिव्यांग होते हैं, विकलांग होते हैं, उनको भी लेके जाते हैं। और उनके साथ क्या होता है, वो उनको दिव्यांगों को विकलांगों को घोड़े और खच्चरों के पीछे बांध के ले जाते हैं, जिससे क्या होता है उनकी मृत्यु हो जाती है। और वो दृश्य देख के वहाँ की जनता के अंदर बहुत गुस्सा भर जाता है मोहम्मद तुगलक के खिलाफ, और वहाँ की जनता चाहती थी कि मोहम्मद तुगलक या तो उनकी मृत्यु हो जाए या किस तरह उनका शासन ख़त्म हो जाए। और अभी बात करें यहाँ के बारे में, यहाँ मेरे पीछे जो आप ये अभी स्ट्रक्चर देख सकते हैं, ये एक्चुअली एक दिखने में एक टॉम जैसा है, पर यहाँ पे कई किसी जगह पे कोई बोर्ड नहीं है और कहीं मेंशन नहीं है कि ये टॉम है या क्या है। बाकी यहाँ पे जो जापना शहर के अंदर ये विजय मंडल है, और उसके पास ही है बेगमपुर मॉस्क। मैं अभी इस विजय मंडल के स्ट्रक्चर के ऊपर आपको चढ़ के दिखा सकता हूँ बेगमपुर मॉस्क का है, और यहाँ पे ऊपर से कैसा नज़ारा दिखता है, कितना बड़ा एरिया होता होगा विजय मंडल का, वो आपको दिखा सकता हूँ। तो चलिए अभी ऊपर ही देखते हैं कैसा यहाँ का आसपास का व्यू। तो अभी हम चलते ही ये विजय मंडल के स्ट्रक्चर के ऊपर जा रहे हैं। आप अगर सेंटर में देखेंगे, सेंटर में आपको ये खाली स्पेस दिखेगा, पर यहाँ पे जैसा कि मैंने बताया था कि ना तो ये प्रॉपर किले की तरह है, ना कोई यहाँ पे टॉम यहाँ पे डिस्क्राइब है कि ये टॉम है। और चलते हैं, जो जाने का ऊपर रास्ता वो यहाँ साइड से है, सीढ़ियों की तरफ से। सीढ़ियाँ जो है यहाँ पे काफ़ी पतली है, तो टॉप पे आ गए हैं। और यहाँ पे आप व्यू देख सकते हैं, आसपास जो है बिल्कुल कॉलोनी के बीचों बीच ये जगह है। और जिसके बारे में बात कर रहे थे बेगमपुर मॉस्क, वो वहाँ पीछे है, थोड़ा मैं जूम करके आपको शॉर्ट में दिखा दूंगा। बेगमपुर मॉस्क जो है कहा जाता है बहुत बड़ी मस्जिद है। और बाकी चलते हैं हम बेगमपुर मॉस्क के अंदर, वहाँ जाते हैं, उसकी जगह के बारे में आपको बताते हैं। तो दोस्तों, ये है बेगमपुर मॉस्क, और इस जगह का अगर आप एरिया देखें, बहुत बड़ा एरिया है यहाँ पे। यहाँ पे काफ़ी टाइम पहले लोग भी रहते थे, यहाँ पे लोग रहते थे, यहाँ पे झुकड़े डाल के रहते थे, और इतना बड़ा एरिया है, तो एक तरह की यहाँ पे कॉलोनी सी बसी हुई थी। पर उसके बाद ASI ने यहाँ से लोगों को हटाया, इसको खाली करवाया। उसके बाद यहाँ का आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं, यहाँ पे जो कई जगह से टूट गया है और कई जगह से अच्छा सा मेंटेन है यहाँ पे, जो कि आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा जब आप आएंगे यहाँ। तो दोस्तों, इस वक्त हम है राय पिथौरा कॉम्प्लेक्स के अंदर, और राय पिथौरा कॉम्प्लेक्स के अंदर ही है जापना शहर की वॉल। जापना शहर की जो वॉल है वो प्रॉपर जो है बहुत बड़ी वॉल नहीं है, कुछ 500 मीटर का जो वॉल का अवशेष बाकी रह गया वो देखने को मिलता है। बाकी जापना शहर के दौर की बात, उस समय के जो मॉन्यूमेंट्स हमने आपको दिखाए, जैसे विजय मंडल है, उसके बगल में ही है बेगमपुर मॉस्क, और जापना शहर के दौर में ही आता है ये सतपुला लेक, और ये हमारा खिड़की मॉस्क। बात करें किले के बारे में, जो दौर था मोहम्मद बिन तुगलक का, उन्होंने अपने शुरुआती दौर में एक किला बनाया था जो था आदिलाबाद फोर्ट जो है तुगलाबाद फोर्ट के बिल्कुल सामने ही, आप चाहे तो जाके देख सकते हैं। और यही है इस दौर के अंदर, जापना शहर के दौर के अंदर, या जापना किला नहीं है, बस छोटे छोटे मॉन्यूमेंट्स है जो अभी अलग अलग जगह बटे हुए हैं। पर जापना शहर के दौर का जो टाइम था, उस समय जो मॉन्यूमेंट्स हमने आपको दिखाए, वो पूरे शहर के अंदर ही था। जहाँ अभी हम खड़े हैं, ये है राय पिथौरा कॉम्प्लेक्स, और राय पिथौरा कॉम्प्लेक्स जो है मालवीय नगर मेट्रो स्टेशन से थोड़ा ही दूर है। अगर आप आना चाहें, जापना शहर की वॉल देखना चाहें, तो यहाँ आपको दिख जाएगा। तो दोस्तों, ये थी हमारी वीडियो दिल्ली के चौथे शहर के ऊपर, मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा बसाया गया जापना शहर। इसके बाद हम जाएंगे दिल्ली के पांचवें शहर की ओर, जिसमें हम दिखाएंगे दिल्ली का पांचवा शहर, किसने बसाया था और क्या क्या मॉन्यूमेंट्स हैं जो उसके आस देखने को मिलते हैं। बाकी कैसी लगी आपको ये वीडियो, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में दिल्ली के अगले शहर के साथ।